महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पे कांग्रेस रही। मोदी ने कहा, जिनके लीडर कंफ्यूज हो और जिनकी पार्टी फ्यूज हो, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस का एक भी नेता जीतना नहीं चाहिए, इनका अहंकार आपको खत्म करना होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रीवा पहुंचे और रीवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला की जीत के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। मोदी ने अपने भाषण में तानसेन से लेकर कांग्रेस तक की बात की। मोदी ने कहा कि जब मैं गरीबों को देखता हूं तो मुझे भी अपनी गरीबी का एहसास हो जाता है। ये चुनाव जनता का भाग्य तय करने के लिए है। वोट डालने से पहले कांग्रेस के 55 साल का शासन याद कर लेना। वो दिन याद कर लेना जब पंखा तो था लेकिन बिजली नहीं थी। वो दिन याद करो कि जब माँ गर्भवती थी तो अस्पताल ले जाते वक्त रोड न होने के कारण कभी माँ मर जाती थी तो कभी बच्चा। मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए, सरकार जरूरतमंदों के लिए होनी चाहिए। पिछले 15 साल में 10 साल केंद्र में मैडम की सरकार थी। कहा कि मैडम को भाजपा का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। 15 साल में से 10 तो शिवराज को दिल्ली से लड़ाई लड़ने में लग गए। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल ही काम करने का समय मिला। मुगल सल्तनत देख लो, कहते हैं कि दिल्ली पर ऐसा शराब है कि किसी भी की कितनी ही सल्तनत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चौथी पीढ़ी आने के बाद वो समाप्त हो जाती है। चौथी पीढ़ी के आगे किसी का कुछ बचता ही नहीं है। ये कांग्रेस का भी वही हाल हुआ है। कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात की जनता ने कांग्रेस का असली चेहरा जान लिया।
और सत्ता से निकाल फेंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि उनके समय एक रुपये निकलता था तो जनता को 15 पैसा मिलता था। बताओ कि वो कौन सा पंजा था जो लोगों का पैसा खा जाता था। मोदी बोले, जिनके लीडर कंफ्यूज हो और जिनकी पार्टी फ्यूज हो वो कभी देश का भला नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।